गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग पंजाब में यहाँ पे फूड टूर करने के लिए आए हैं। अरे भाई क्या बात कर, अभी तो हम राजकोट पे हैं। पंजाब में? अरे भाई तू हमारे व्यूअर्स को कंफ्यूज कर रहा है, अभी हम राजकोट पे हैं। ओके ओके बता दो। सो लेट मी क्लियर। सो भाई लोग अभी हम लोग हैं राजकोट सिटी में। राजकोट सिटी पे एक ढाबा है जिसका नाम है सनी पाजी दा ढाबा। ये जो ढाबा है वो हमें पंजाब की याद दिलाता है, साथ ही साथ यहाँ का जो फूड है वो ऑथेंटिक पंजाबी फूड है। यहाँ पे जो सारी चीज़ें लगी हुई है वो सारी हमें पंजाब की फील देती है। सो अभी हम यहाँ पे फूड एक्सप्लोर करने के लिए आए, साथ ही साथ यहाँ के ओनर जो है सनी पाजी, हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे। सो चलिए आप हमारे साथ यहाँ का फूड एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग के ढाबा में यहाँ पे एक्टिविटी में काफ़ी सही है। गेम जोन है, चिल्ड्रन पे पार्क है, यहाँ पे म्यूजिक शो भी है। तो चलो देखते हैं म्यूजिक शो में क्या है। आज हमें आप क्या दिखाने वाले हो? सर म्यूजिक शो है, कॉमेडी से भरपूर है, बच्चों का मनोरंजन में सही है। ओके बच्चों का मनोरंजन, ओके सही है। तो आज कुछ दिखा दो आप, ठीक है बढ़िया से दिखा दो। लो देखिए साहब, नज़र को तेज करो, जादू स्टार्ट हो रहा है। देखो ये मेरे पास में जादू की छड़ी, 1 2 3। हाथ को बिल्कुल खाली दिखाया साहेब, हाथ पे घिसा, जमीन पे घिसा, थोड़ी मट्टी उठाई, 3 बार ऐसे घुमाई इसे यहीं, दूसरी मट्टी उठाई, मालिक का नाम लिया, राइट। क्या बात, 1 सिक्का बनाया है सही। लो देखिए साहब ये 1 सिक्का बनाया है, और अब देखो इसके ज़्यादा बनेंगे। और देखिए साहब मेरे हाथ में नहीं बनेंगे, इन साहब के हाथ में बनेंगे। यहाँ पे साहब खड़े हो जाना सर, याद रखो। इस सिक्के को साहब मुट्ठी के अंदर बंद करो, मुट्ठी को बंद कर लो साहब, और फूंक मार के यहाँ पे रखो। बिल्कुल साहब ज़्यादा बन रहे हैं, यहाँ पे रखो साहब। ये देखिए जी साहब, लो देखिए साहब हमने इनको ज़्यादा बनाने के लिए सिक्का दिया, और इन साहब ने 75 बना दिया। ये क्या बन गया? इसे यहाँ पे साहब जी हमारा सिक्का कहाँ पे गया? हाथ पे। नहीं हमने आपको कॉइन दिया था, वो कहाँ पे गया? मुझे पता नहीं। आपको नहीं पता? देखो साहब सिक्का कहीं नहीं गया, ये रहा सर। 1 मिनट के लिए खड़े हो जाना सर। देखो सिक्का यहाँ पे साहब जी, बेल्ट को हिलाओ, बेल्ट को हिलाओ, बेल्ट को हिलाओ, पेंट में था। जाओ सर देखो, अमेजिंग, थैंक यू। यू वेलकम सर। सो गाइस अभी हमारे साथ है सनी पाजी दा ढाबा के ओनर खुद सनी पाजी। सो खास इन्फॉर्मेशन हम उन्हीं से लेंगे। सो भाई हमें बताइए कि आपका जो ये ढाबा है उसका जो फूड है वो ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है। एज ए फूड ब्लॉगर हमारे यूट्यूब चैनल पे कई लोगों की कमेंट आई थी कि आपने यहाँ के फूड ट्राई किया है, जैसे कि यहाँ का जो पंजाबी फूड है वो बहुत ही फेमस है, तो उसके पीछे का सक्सेस क्या है? ज़्यादातर लोगों को आपका फूड क्यों पसंद आता है? सबसे पहले सारे गुजरात वासियों को मेरी सत श्री अकाल है। सनी पाजी दा ढाबा वेलकम्स यू ऑल। सर फूड की बात करें तो सब आपको पता है कि ऑथेंटिक फूड का नाम देते हैं, बट जो ओरिजिनल ऑथेंटिक फूड है वो सर्व नहीं करते। सही बात सर। यहाँ पे सनी पाजी दा ढाबा हम पिछले 4 साल से प्योर ऑथेंटिक एंड जो पंजाब का कल्चर है वो हम सर्व कर रहे हैं। हम पंजाबी खाना नहीं दे रहे, हम कल्चर भी दे रहे हैं। क्या बात, हमारा आप पूरा सेटअप देखिए, हमारा जो एम्बियंस है पूरा पंजाबी फील मिल रहा है। यस सर, हमने पर्टिकुलरली पंजाब को ध्यान में रखते हुए कस्टमर को वो सर्व करने की कोशिश की है जो उनको चाहिए। सिर्फ नाम नहीं चाहिए, उनको एक्चुअल चीज़ चाहिए, प्रॉपर पंजाबी फूड। और सर साथ में जो सब कह रहे हैं आपको कि जो अच्छा फूड है उसके पीछे हमारी कोई वो नहीं है, सब ऊपर वाले की दया है। सब वाहेगुरु जी की कृपा से सब चल रहा है सर। हमारे सर रेस्टोरेंट के अंदर कंटिन्यूसली खाना खाते समय वाहेगुरु का सिमरन चलता है, जाप चलता है, गाने हम बहुत कम बजाते हैं। कस्टमर को भी थोड़ा अच्छा फील होता है कि भाई थोड़ी अच्छी जगह आए हैं, शोर शराबा नहीं है, कम है, अच्छा खाना है, अच्छा डिम लाइट है, सब कृपा चल रहा है, इसीलिए आपका खाना चलता है, लोगों को पसंद आता है। जैसे कि भाई ने बात की यहाँ पे वाहेगुरु जी का म्यूजिक चलता है, तो ये जो जगह है वो एक लंगर के बराबर ही है, यहाँ का जो खाना है वो प्रसाद के बराबर ही है। सो ये जैसे भाई ने बताया कि हमारे खाने का जो है वो ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है, उसके पीछे का सक्सेस जो यही है। और एक बात मैं आपसे सर मैं आपको बताना चाहूँ, सॉरी डिस्टर्ब यू, कि सर जितने भी यात्रु आते हैं, कोई द्वारका जा रहा है, कोई माथा टेकने जा रहा है, संत है, फकीर है, कोई भी जो भी आप समझो कि धार्मिक कोई भी यात्रा पे जा रहे हैं, उनके लिए सर यहाँ पे 24 घंटे चाय पानी और लंगर की सेवा चल रही है। क्या बात है, कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबके लिए सेवा चालू है सर। बिजनेस अपनी जगह है लेकिन सेवा अपनी जगह है। वैसे हम कई मूवी में देखते हैं कि जो पंजाबी लोग होते हैं वो दिल के भी बड़े होते हैं और खाने पीने के भी बहुत शौकीन होते हैं। सो यहाँ पे सनी पाजी से मिलके मुझे वही फील आ रही है। और भाई मुझे एक बात बताए कि मैंने सुना है कि आपकी ये जो ब्रांड है वो बहुत फैली हुई है, ये जो आपका राजकोट पे ढाबा है और कई जगह पे भी है, तो आप मुझे बताएं और कहाँ कहाँ आपका ये ढाबा है? सर टोटल हमारी 4 ब्रांचेस है। एक जो मेन ढाबा है ये जो जामनगर हाईवे पे, सबसे पहले कौन सा? सबसे पहले सर स्टार्टिंग यही है। क्या बात है, यहीं से हमने बेसिक से एकदम स्टार्ट किया था और आज आप सबके ब्लेसिंग से आज हम यहाँ पहुँचे। टोटल हमारी सर 4 आउटलेट्स है, 4 ब्रांच है। पहली जामनगर रोड पे घंटेश्वर विलेज के पास में, दूसरी ब्रांच हमारी सर जो यहाँ तक दूर नहीं आ सकते सिटी से, उनके लिए हमको ध्यान में रख के हमने स्पेशल एक पार्सल की एक ब्रांच खोली है, याग्निक रोड पे ब्रांच है। वहाँ के सर छोले भटूरे, आलू परोठे एक बार आप टेस्ट कीजिएगा, आप याद करोगे मुझे, प्योर ऑथेंटिक, आप सोचोगे कि हम पंजाब के छोले खा रहे हैं। क्या बात है। और साथ ही साथ में उसके बाद में सर कस्टमर के रिव्यूज़ आते गए। मोरबी एक ब्रांच है सर हमारी, मोरबी के कस्टमर्स 60-70 किलोमीटर काट के यहाँ खाना खाने आते हैं। क्या बात है, तो उनके लिए हमने उधर ही खोल दिया। क्या बहुत बड़ी बात है, उनके लिए स्पेशल हमने उधर खोला। उसके बाद सर एक जामनगर हाईवे पे, जामनगर से 30 किलोमीटर पहले ध्रोल सेंटर आता है। ध्रोल नाम सुना है? ध्रोल में सर एक हमारी ब्रांच है, वहाँ भी सबका बहुत आशीर्वाद है और सब साथ में चल रहा है सर। 4 ब्रांच है। आप अपने दिल से खिलाते हो तो वो तो रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है। और जैसे कि भाई ने बात की, यहाँ पे ज़्यादातर लोग ने यहाँ का फूड तो ट्राई किया ही होगा, आई एम प्रीटी श्योर। अगर आप राजकोट सिटी में सेंटर पे रहने वाले हो तो जैसे भाई ने बात की याग्निक रोड में इस लोगों की एक ब्रांच है, तो वहाँ पे भी आप जाके फूड ट्राई कर सकते हो। तो फिलहाल तो भाई हमें आज बहुत भूख लगी है, तो आप बताओ आज हमें क्या खिलाने वाले हो? सर हमारे ढाबे की एक सनी पाजी दा ढाबा स्पेशल सब्जी है। क्या बात है, जिसमें सर फुल ऑफ चीज़, फुल ऑफ पनीर, वेजिटेबल्स, काजू, क्या बादाम, पिस्ता, किशमिश और थोड़ा सा उसमें क्रीम का पोर्शन भी आता है। ढाबा स्पेशल हमारी मोस्ट पॉपुलर सब्जी है। उसके साथ में मैं आपको आज गार्लिक कुलचा खिलाऊंगा और साथ में हमारी जिसको बोलते हैं ना टॉप फेवरेट पटियाला ड्राई फ्रूट लस्सी, जो पंजाबियों की, सरदारों की, ढाबे की, कोई भी ढाबा हो, लस्सी के बगैर अधूरा है सर। पंजाब लोगों की लस्सी तो जान होती है, वो आज हमको आप क्या बात है, मजा आ जाने वाला है आज तो। ओके सो यहाँ का फूड ट्राई करते हैं और साथ ही साथ आपको भी बताएगा यहाँ का फूड का टेस्ट कैसा है। तो गाइस अभी हमारा खाना आ चुका है। जैसे कि आप देख रहे हो ये पटियाला ड्राई फ्रूट लस्सी है, जिसकी साइज़ जो है वो कितनी बड़ी है। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ का जो फूड है वो तो बहुत ही डिलीशियस है और साथ ही साथ खाना भी अच्छा है और खाना खिलाने वाले लोग का दिल भी बड़ा है। सो इसीलिए यहाँ का खाना जो है वो बहुत ही फेमस है। सो भाई मैं ट्राई करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सो सबसे पहले आया है मंचूरियन ड्राई, जो कि हम दोनों का फेवरेट है। वैसे कई जगहों पे मंचूरियन ड्राई को मंचूरियम भी बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो। मैंने कई जगहों पे सुना है और अक्सर हमारे सब्सक्राइबर कमेंट में भी करते हैं ओ मंचूरियम। सो मुझे पता है इसका सही प्रोनाउंसिएशन मंचूरियन ड्राई है, मंचूरियन है, पर मुझे तो ये जो चीज़ है उसे मंचूरियम कहना ही पसंद है, क्योंकि मंचूरियम के साथ इसका जो वर्ड है मंचूरियम, तो ये चीज़ बहुत यम्मी है और हम दोनों के बहुत फेवरेट है, तो इसे हम मंचूरियम ही कहेंगे। ये जो आप सब्जी देख रहे हो उसकी क्वांटिटी जो है वो भी टू मच है। बाकी तो स्पेशल है। यस ढाबा स्पेशल सब्जी। ये जो हमारा मंचूरियन है उसका टेस्ट जो है वो भी बहुत अच्छा है, एकदम डिलीशियस है। और जैसे ही नाम है मंचूरियन वैसे ये चीज़ जो है वो बहुत यमी है। वैसे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा ये जो मंचूरियन है आप उसे मंचूरियम कहना पसंद करोगे या तो मंचूरियन कहना पसंद करोगे। हम दोनों तो अक्सर इसे मंचूरियम ही कहते हैं क्योंकि ये जो मंचूरियम वर्ड है वो वेरी फनीस्ट एंड क्यूटेस्ट वर्ड है। अभी आ चुके हैं हमारे नान, चीज नान, साथ में है बटर कुलचा। इसका लुक इतना बढ़िया है। ये पनीर की सब्जी है। ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ के जो ओनर है सनी पाजी, उसी ने हमें सजेस्ट की है, तो ये सारी चीज़ें खाने के लिए हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। सब्जी की टेस्ट बहुत बढ़िया है, पंजाब में होता है ऑथेंटिक पंजाबी, वही टेस्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि यहाँ के जो शेफ है वो भी पंजाब के ही है, तो सभी चीज़ हमें यहाँ पे टेस्ट पंजाब का ही मिलेगा। गुजरात राजकोट में आप लोग सभी यहाँ पे विजिट करना। सभी चीज़ें जो है वो परफेक्ट तरीके से बनाई गई है और एकदम दिल से बनाई गई है, इसीलिए खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। हमारा जो एक्सपेक्टेशन था यहाँ पर आने के लिए उससे भी अच्छा हमारे यहाँ का एक्सपीरियंस रहा है। सब बारी आती है ये पटियाला ड्राई फ्रूट लच्छे की, जिसमें आप देख सकते हो कितना सारा ड्राई फ्रूट है। मुझे तो पता नहीं लग रहा ये सारी लच्छी जो है वो अकेले पी पाऊंगा या नहीं, इम्पॉसिबल है। पर अगर नहीं भी पी पाऊंगा तो ये सारी जो लच्छी है वो मैं घर पे ले जाऊंगा क्योंकि जो मेरे पापा है अक्सर आप उसे वीडियो में देखते हो, तो उसे ये लच्छी वगैरह बहुत पसंद है। एकदम क्रीमी है और साथ ही साथ इनमें ढेर सारा ड्राई फ्रूट है, तो ये जो चीज़ है वो मुझे पता नहीं कि ये मैं खा रहा हूँ या तो पी रहा हूँ। एकदम बढ़िया है। तो हेल्थ के भी अच्छी होती है क्योंकि इसमें कड़ होता है, तो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। वैसे ज़्यादातर हम हमारे फूड के साथ लंच और डिनर के साथ कोल्ड ड्रिंक प्रीफर करते हैं, पर आज यहाँ के ओनर सनी पाजी जो थे उसे हमने ये सारा फूड सजेस्ट किया है। और साथ ही साथ वो बोल रहे थे हमारी जो पंजाब की जो लच्छी है, पंजाब की जो जान है, आप आज वही ट्राई करो, तो हमने उसके सजेशन को ध्यान में रख के ये लच्छी ट्राई करने वाले, तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। हाँ जी सर जी, आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनको तो आप बाद में रिव्यू देना, पहले आप मुझे बताइए कि आपको खाना कैसा लगा, हमारी सर्विस कैसी लगी सर, और साथ में जो फूड है उसमें सही बताना, अच्छा लगा, तीखा लगा, फीका लगा, ताकि हमको पता चले क्योंकि आप सब जगह जाते हो, सही है, आपके पास इतने लोगों के रिव्यूज़ आते हैं, तो हमें अच्छा रिव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, सही रिव्यू चाहिए हमें। सही बात है। और आपका जो खाना है बहुत अच्छा है, जैसे आप बात करते थे आप अपना खाना जो है दिल से खिलाते हो, वैसे हमने कहीं मूवी में भी देखा है पंजाब के लोग जो होते हैं वो बहुत ही फ्रेंकी होते हैं, सो यहाँ पर आके मुझे वही फील मिल रहा है। सो भाई रियली ये जो आपका फूड है वो बहुत ही अच्छा है, और जैसे आपका टाइटल है पंजाब दी मिट्टी दी खुशबू, सर जो पंजाब दी मिट्टी दी खुशबू है वो पर्टिकुलरली हमने इसलिए रखा है कि यहाँ पे आपको पंजाब की महक आनी चाहिए। पंजाब दी मिट्टी दी खुशबू डेफिनेटली, सनी पाजी दा ढाबा, और साथ साथ में खाओ पियो ऐश करो। जैसे आपका टाइटल है वैसा ही आपका फूड है, ढाबा स्पेशल, खाओ लस्सी पियो और बस मजे करो। सही बात, हमारा थीम है कि यहाँ पे जो आए वो एंजॉय करना चाहिए। सही बात है, खाइए सर प्लीज, श्योर। तो गाइस मैंने और डेनिस ने हमारा डिनर जो है वो कंप्लीट कर लिए, हमें यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया। वैसे आप सब लोग जानते हो पंजाबी लोग जो होते हैं वो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, जैसे कि कई मूवी में देखा है। तो जब भी मेट मूवी जो है वो मेरा फेवरेट मूवी है, और उसी में जो आदित्य है वो गीत के पास जाता है और वहाँ पे जो लोग पंजाबी लोग जो होते हैं वो खाना खिलाते, तो मेरी भी एक छोटी सी विश थी कि मैं और डेनिस और हमारी पूरी फैमिली पंजाब पे जाएंगे, वहाँ का फूड एक्सप्लोर करेंगे, तो हम यहाँ पे आए थे। हमारा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। यहाँ की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आते हो, आपको यहाँ का खाना पसंद आता है तो आप यहाँ पे बेल बजा सकते हो। मुझे और डेनिस को यहाँ का खाना बहुत पसंद आया, हम लोग यहाँ पे आके बेल दबाने वाले हैं। वेलकम। सो गाइस, अगर आप गुजरात पे रहकर पंजाबी फूड ट्राई करना चाहते हो, पंजाबी के फील लेना चाहते हो, तो आप सनी पाजी दा ढाबा में एक बार ज़रूर आएगा। ये जगह जो है वो आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी, ये मेरा आपसे वादा है। और वीडियो कैन कर देते हैं। यस, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप एटिंग। चलो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो।